brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने खेल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद सीएम मोहन ने इस घटना पर खुशी जताई है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। सीएम ने कहा कि जिस इलाके के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं से कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किसी ने अपना फार्म वापस लिया है, ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो का प्रत्याशी वापस हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। सबको कह रही है कि आपके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और साथ ही साथ कांग्रेस में से हटकर वो ये तो समय बताएगा। मोहन कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया, अब अक्षय बम ने कांग्रेस ठुकरा दी। अक्षय कांति बम भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्या लग रहा है कि अब 8 लाख पार की बात की थी, बीजेपी के लिए तो आसान है क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं उनके सामने? भाजपा हर चीज को आसान मानती नहीं, हम तो अपने किए हुए काम के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और भरपूर आशीर्वाद। और अक्षय कांति बम से क्या कह रहे हैं वो, क्यों आ गए पार्टी में, क्या अपने मन की बात बताई उन्होंने? कांग्रेस की जिस तरह का वहाँ नेतृत्व है और जिस तरह का वहाँ काम है और जो हाल कांग्रेस पार्टी के आज हैं, उसको देखते हुए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब एक हुए हैं। दरअसल नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन वे ही अक्षय बम ने खेल कर दिया, जिसके बाद अब इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अक्षय बम के इस कांड के बाद कांग्रेस पूरी तरह तिलमिलाई हुई है। फिलहाल अभी तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।